कैसे हैं आप लोग। मैं नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु से धीरेंद्र सिन्हा आज आपके लिए लेके आया हूँ सेक्टर 90 में NTPC अपार्टमेंट, जिसका नाम कृष्णा गार्डन भी है। इससे पहले भी वीडियो हमने में डाल रखा है, पर वो 8 टावर का था, उसका व्यू अलग था, उसका लोकेशन अलग था। ये बी ब्लॉक का है और 10th फ्लोर की बिल्डिंग है, और 10th फ्लोर है, इसमें प्रॉपर बहुत ही अच्छी धूप आ रही है। और हमारे पीछे, जैसे आप वीडियो में भी दिखाऊंगा कि पीछे ये फुटबॉल स्टेडियम और पार्क फेसिंग का है, और सिंगल एंट्री का फ्लैट है, यानी तीन फ्लैट इधर होते हैं, तीन फ्लैट लेफ्ट में, तीन फ्लैट राइट में, दो फ्लैट जो होते हैं आमने सामने होते हैं, एक फ्लैट सिंगल होता है। ये सिंगल एंट्री वाला फ्लैट है जिसके सामने कोई फ्लैट नहीं। पीछे आपका बिल्कुल खुला मैदान है, पार्क है, और उसके पीछे फुटबॉल स्टेडियम है। पूरा आपको दिखता होगा, पूरा ITC वेलकम होटल वगैरह सारा चीज़ दिखता है। यहाँ पे पूरे द्वारका सबसे ज़्यादा ग्रीन एरिया, पार्क बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा खुला एरिया है, और इसमें 3+7 पूरी सोसाइटी है। NTPC 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, दो टावर है, ए और बी टावर है, 120 फ्लैट टोटल है। आज के रेट में तीन फ्लैट आ रहे हैं मेरे पास सेल के। और ये बी ब्लॉक का बहुत ही प्राइम लोकेशन है, जैसे देख सकते हैं प्रॉपर धूप वाला फ्लैट है। सर्वेंट रूम पूरे द्वारका में बहुत ही रेयर केस में कोई ऐसी सोसाइटी होगी जिसका सर्वेंट रूम इतना बड़ा होगा। बहुत ही बड़ा सर्वेंट रूम है, एंड तीनों रूम बहुत बड़े बड़े हैं। चार बालकनी, किचन के साथ भी बालकनी, ड्राइंग डाइनिंग के साथ है, तीनों रूम के साथ बालकनी है। एंड 19B में ये पड़ता है। यहाँ से बगल में आपको अमराही गांव पड़ता है, और अमराही से बाहर है संस्कृति के सामने, ई रिक्शा, टैक्सी, बस सारे मिलते हैं रात को 11-12 बजे। और उससे आगे जाएंगे 5 कदम आगे तो गवर्नमेंट का स्कूल है, और उससे आगे जाओगे तो पूरी सब्जी मार्केट इस कोने से लेके लास्ट मेन रोड तक की मार्केट लगती है, जहाँ ATM से लेके रेस्टोरेंट से लेके हार्डवेयर से लेके लेडीज से लेके बच्चों के लिए से हर एक चीज़ वहाँ पर मिलता है। एंड सेक्टर 10 का ITC वेलकम होटल यहाँ पास पड़ेगा, 10 का मेट्रो स्टेशन पास पड़ेगा, एंड 19B में मॉल है गवर्नमेंट का, जो छोटा सा मॉल काफ़ी खुला है प्राइवेट में। उसके बाद आपको 2-3 टॉप क्लास की स्कूल है, आपके सोसाइटी से 10 कदम की दूरी पे OPG वर्ल्ड स्कूल है, निरंकारी भवन है 19B में, संसंग भवन है, राधा स्वामी मंदिर है बिल्कुल इसके बाद रेलवे, और रेलवे के सामने राधा स्वामी मंदिर है। यहाँ से सामने बिल्कुल बिल्कुल दिखता है आपके सोसाइटी गेट से गोल्फ कोर्स दिखता है। एम्बेसी एरिया यहीं पर 19B में है, गोल्फ कोर्स यहीं पर है। नई सोसाइटी प्रथम ग्रुप का बन रहा है, वो भी 19B NTPC के सामने है, एंड एक्सप्रेसवे भी यहाँ से सबसे नज़दीक पड़ता है। DDA का 2 HIG बन के खड़ा हो गया है, वो भी 19B में है। नाला यहाँ आसपास में नहीं दिखता है, ना कोई स्मेल है, दाना से बहुत दूर है, तो गुड़गांव नज़दीक है, 22 नज़दीक है, 21 नज़दीक है, ITC वेलकम हॉस्टल नज़दीक है, मार्केट पूरा सटा हुआ है, ई रिक्शा, टैक्सी, बस, ऑटो सब आपके घर के पास में मिलते हैं। गेट के बाहर सब्जी मार्केट है, अंदर ही शॉप वगैरह है, दो वॉशमैन बैठते हैं धोबी वगैरह, एंड बेसमेंट पार्किंग है, कवर पार्किंग है, आउटसाइड पार्किंग है। एक गाड़ी लगाओ, दो गाड़ी लगाओ, तीन गाड़ी लगाओ, कोई इशू नहीं है। 2500 मात्र मेंटेनेंस है, 100% पावर बैकअप है, जिसमें आपके सारे AC चलते हैं। तो ये है कृष्णा गार्डन NTPC, जहाँ हर एक चीज़ फैसिलिटी है, 2500 मेंटेनेंस है, बेसमेंट, कवर, आउटसाइड सब पार्किंग है, और 1, 2, 3, 4, 5 AC चलाओ, 5 AC चलते हैं 2500 में, जिसमें पार्ट वार्ड आपका लिफ्ट मैन भी है, स्वीपर भी है, सब उसमें मिलते हैं। यहाँ काम वाली भी आई मिल जाती है। तो कुल मिला के 120 फ्लैट है, जिसमें से 2-3 फ्लैट सेल के अवेलेबल हैं। सोसाइटी के सारे पाइपलाइन चेंज हो गए, अगले महीने से बहुत ही प्राइम लोकेशन पेंट होने जा रहा है, गार्डन नए बने हैं, तो बहुत ही प्यारी सोसाइटी है, छोटी और बहुत ही अच्छी सोसाइटी है, प्रॉपर 4 बेडरूम कह सकते हो, एक सर्वेंट रूम इतना बड़ा है। तो चलते हैं फ्लैट देखते हैं, और बस आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ही निवेदन के साथ रिक्वेस्ट है, कि अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अभी नंबर वन प्रॉपर्टी गुरु को अपने साथ जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन भी लगेगा। हर प्रॉपर्टी के किसी टाइप की रिक्वायरमेंट हो, सिर्फ हमारे पास ही आपकी सॉल्यूशन दिलाएंगे, चाहे वो बैंक का हो, पेपर वर्क का हो, लोन का हो, प्रॉपर्टी सेल परचेज करना हो, या अपना प्रॉपर्टी सेल करना हो, या रेंट पे लेना हो, खरीदना हो, रेंट पे लेना हो, हर एक तरीके से आपके लिए द्वारका एक्सप्रेस के लिए हम खड़े हैं आपके लिए। आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं फ्लैट देखने, थैंक यू। हम आगे लिफ्ट एरिया में, कृष्णा गार्डन NTPC अपार्टमेंट, तीन फ्लैट उधर है, दो फ्लैट आमने सामने, एक सिंगल फ्लैट है, और ये लिफ्ट एरिया था, एक सर्विस लिफ्ट है, एक छोटी लिफ्ट है, और ये सिंगल फ्लैट है, और दो फ्लैट आमने सामने है आगे जाके। हमने इससे पहले भी बनाया था, ए ब्लॉक का बनाया था 6th फ्लोर, ये बी ब्लॉक का है 10th फ्लोर है, इसकी लोकेशन व्यू अलग है, उसकी लोकेशन व्यू अलग है, एक सोसाइटी में मल्टीपल आते रहते फ्लैट। ये सामने आप देख सकते हैं,
पार्क है, ग्रीनरी है और काफ़ी सुंदर पार्क है। उस कोने से लेके पूरी पीछे तक पार्क है और आगे जो ये बाउंड्री घेरा हुआ है ये फुटबॉल स्टेडियम है। तो आने वाले टाइम में अपने गेट के सामने खड़े होके और पूरे फुटबॉल स्टेडियम का आप मज़े ले सकते हो। ये बिल्कुल कैंपस जो देख रहे हैं ये फुटबॉल स्टेडियम का है, सामने पार्क है और यहाँ से आपको दिखता है सेक्टर 10 का मेट्रो स्टेशन दिख रहा है, ITC वेलकम होटल दिख रहा है, पंजाब नेशनल बैंक दिख रहा है। जो ऊपर वाली बिल्डिंग है वो ITC वेलकम होटल है और ये येलो कलर का जो है ये मॉल है, उसके बगल में स्कूल है। ये लोकेशन है हमारी सोसाइटी के, इस गेट से घुसते सिंगल एंट्री का फ्लैट है। 1003 लोहे का गेट लगा हुआ है, उसके बाद ये स्पेस निकलता है। स्पेस के बाद हम सर्वेंट रूम में आ गए और सर्वेंट रूम का साइज आपको देख सकते हैं। साथ में अटैच बाथरूम है। और ये एंट्री करते ही हमारा ये इतना स्पेस अलग से होता है, यहाँ पे कुछ भी आप साइड में कर सकते हो बॉक्स वगैरह बना के। और ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग हो गया जो आई स्पेस में होता है। पहले मैं राउंड बाई कैमरा घुमा के आपको दिखा दूँ। सिंपल साफ सुथरा डिसेंट है, जो एक फैमिली को जितना चाहिए वैसा काम किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से दीवार शुरू होता है। साथ में ये बड़ी वाली बालकनी है जिसमें डोर लगी हुई है, आयरन वाली भी। काफ़ी आई सेप की ड्राइंग डाइनिंग बहुत बड़ा है। और ये किचन है, किचन मॉड्यूलर है। यहाँ पे फ्रिज का जगह रखने के लिए, कुछ लोगों ने किचन को बड़ा करते हैं तो ये बालकनी मिला सकते हैं आप। मैं दिखाता हूँ आपको, ये बालकनी को मर्ज कर देते हैं तो बड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीटिंग एरिया तो खास बनती नहीं किचन के पास। तो या तो वो लोग वॉशिंग एरिया बनाते हैं या आप किचन को बड़ा कर सकते हो। चलते हैं फर्स्ट बेडरूम। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है और पहले मैं ऐसे करके दिखा दूं। एंड इसकी नीचे का दिखा देता हूं। एंड इसके साथ आपको लंबाई भी दिख जाए तो दिखा देता हूँ। ये वॉल है, साथ में ये कॉमन बाथरूम है जो दूसरे रूम के लिए भी होता है। इसके साथ एक लंबी बालकनी है जो फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम दोनों के साथ लंबी सी है। और ये सामने आप रेलवे अपार्टमेंट देख रहे हैं और इसमें जो अपकमिंग वीडियो है, जो सेकेंड आपका जो आने वाला वीडियो है, वो इसमें 3 बेडरूम भी है, 4 बेडरूम है। 3 बेडरूम एक्सक्लूसिव ब्रांडेड काम किया हुआ है, 4 बेडरूम भी है, तो दोनों का वीडियो आने वाला है। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो आप सब्सक्राइब कीजिए। ये बालकनी है आपकी
जितना सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे मेरा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और मेरी भी ताकत बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि और से ज़्यादा वीडियो डालूँ, जो क्योंकि कोई भी ऐसा ना छूटे जिनकी रिक्वायरमेंट फुल पुलिस ना हो। तो प्लीज़ बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हम्बल कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करते हैं तो ही आपके लिए नोटिफिकेशन आता है, आपके बजट का फ्लैट मिलता है और हमारी मनोबल बढ़ता है, लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, सही तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ गलती होती है, कुछ समझाना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि आप कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, बहुत ही छोटा सा हूँ यूट्यूबर, एक छोटा सा बनाते हूँ। बस आपका प्यार मिलता रहे, ऐसे ही ताकत मिलता रहे तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा और आपके लिए हर फ्लैट और हर बजट के फ्लैट लेके आऊँगा। इससे आपको सब्सक्राइब करना है, बस यही हम एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और हम ड्राइंग डाइनिंग में ये देख सकते हैं, फिर से आपको दिखाऊंगा। एंड सेकेंड बेडरूम जिसका कॉमन बाथरूम इसके साथ भी है, एंड ये बेडरूम है। पहले आपको ऐसे लंबाई दिखा देता हूँ, और वही काफ़ी बड़ा विंडो है, इसके साथ वही बालकनी है लंबी वाली। बहुत ही खुला डुल्ला ये सोसाइटी है। एंड ये थर्ड बेडरूम जिसको मास्टर बेडरूम भी कहते हैं, और राउंड बाई मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको। इसके साथ आपका अटैच बाथरूम है, और इसकी लंबाई आपको दिखाता हूँ बेडरूम की, यहाँ पे हैं खड़े। इसके साथ अटैच बालकनी है जो प्रॉपर धूप आ रही है। काफ़ी साइज अच्छा है, ना छोटा है ना बड़ा है। और ये अरविंद का फेसिंग है, इस साइड अरविंद है बालकनी से, एक तरफ रेलवे दिखता है, सामने संस्कृति अपार्टमेंट है। तो दोस्तों ये सोसाइटी का नाम कृष्णा गार्डन है एंड और इसको साथ में एनटीपीसी भी कहते हैं। 120 फ्लैट है, 10 फ्लोर की बिल्डिंग है टोटल, ए टावर है बी टावर है, और हम आए थे 10 फ्लोर पे, और इसकी आस्किंग प्राइस जो है वो है 2,10,00,000 इसकी आस्किंग प्राइस है। 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम प्लस आपको 1, 2, 3, 4 बालकनी का फ्लैट, 4 बालकनी, आई शेप की ड्राइंग डाइनिंग, 3+ सर्वेंट, कृष्णा गार्डन, एनटीपीसी अपार्टमेंट, 19B, पाइपलाइन सारे चेंज हो चुके हैं, वाइट वॉश शुरू होना है, सोसाइटी के गार्ड रूम नए बने हैं, और सोसाइटी आने वाले में बेस्ट प्राइम सोसाइटी कहलाएगी, क्योंकि इससे बड़ा रूम साइज, इससे बड़ा सर्वेंट रूम बहुत कम सोसाइटी मिलती है इस प्राइस में। तो बस जल्दी से जल्दी आइए, कॉल कीजिए 9811038119, ऐसे नोटिफिकेशन आएगा। नेक्स्ट हम रेलवे का बनाने जाएंगे, उससे बस और कई सारी सोसाइटी का आने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो प्लीज़ आप जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, चाहे दिल्ली के हो, दिल्ली NCR के हो, या किसी भी जगह हो, आप दिल्ली में कहीं भी है, दिल्ली पूरे द्वारका में दिल्ली के आदमी हो या ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी हो, आप द्वारका में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, द्वारका एक्सप्रेस वे पे लेना चाहते हो, या कोई भी द्वारका के जो ऑनर हैं जो अपना फ्लैट रेंट पे देना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो बेस्ट टू बेस्ट सर्विस और बेस्ट प्राइस के साथ आपका हम सेल आउट कराएंगे, रेंट आउट कराएंगे। तो प्लीज़ आप नंबर 1 प्रॉपर्टी गुरु से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक